नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपा सिंह। फ्रेंड्स, अगर आप भी बिना कोई हैवी एक्सरसाइज करें आराम से लेटे लेटे ही अपना पेट कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिनको आप आराम से अपने बेड पर लेटे लेटे ही कर सकते हैं। दिन में आपको जब भी समय मिलता है आप अपने बेड पर लेटते हैं तब आप इन एक्सरसाइज को करने लग जाइए। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए ये बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज आपके पेट की चर्बी को बिल्कुल कम कर देगी। पिछले सप्ताह मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं जिसमें कि मैंने आपको लोअर बेली के लिए एक्सरसाइज बताया था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे, मैम सिर्फ लोअर बेली नहीं, हमारा तो पूरा पेट बाहर निकला हुआ है, तो आप ऐसी एक्सरसाइज बताइए कि हमारा पूरा पेट कम हो जाए। तो ये एक्सरसाइज आपकी चाहे लोअर बेली निकली है या फिर अपर बेली निकली है, ये आपके पूरे पेट को एक साथ कम कर देगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए सीधा सा कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने आराम से बेड पर लेट जाइए और इन एक्सरसाइज को करने लग जाइए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की वीडियो लेकर मैं हर रोज आती हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, बेड पर आराम से आप लेट जाइए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे रख लीजिए और पैरों को हम मोड़ लेंगे। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा पैरों को नहीं मोड़ना है, हल्का सा मोड़ना है, आपके हिप्स के और पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, इससे ये एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, इस तरीके से देखिए अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा ऊपर की तरफ उठाएंगे और इसको अपने बेड पर इस तरीके से टच करेंगे, फिर ऊपर की तरफ उठाएंगे टच करेंगे, और इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपके पूरे पेट पर बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट दिखाती है। तो चलिए थोड़ी सी हम इसकी अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप चाहें तो मेरे साथ साथ कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इस दौरान आप अपने पेट को थोड़ा सा टाइट रखें, यानी कि इंगेज रखें। 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये आपकी लोअर बेली और अपर बेली दोनों को एक साथ कम करती है, आपके पूरे के पूरे पेट को बहुत तेज़ी से कम करेगी। इसको फ्रेंड्स आप ज़्यादा कर सकते हैं, लगभग 30 से लेकर 35 टाइम तक कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है, और आप एक बार, दो बार, तीन बार इस एक्सरसाइज को रिपीट कर सकते हैं, यानी कि सेट आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से लगा सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कौन सी करना है। आराम से बेड पर लेटे लेटे हाथों को आराम से रिलैक्स छोड़ दीजिए और पैरों को मोड़ कर लेटेंगे। अब एक पैर को हम मोड़ के रखेंगे, दूसरे को सीधा कर लेंगे। सबसे पहले हमें एक से करना है, करना क्या है, इस तरीके से हमें हल्का हल्का इसको राउंड राउंड करना है, यानी कि छोटा सा हमें ओ बनाने की कोशिश करना है इस तरीके से, और ये आपके बहुत तेज़ी से लोअर बेली को अपर बेली को कम करती है, आपके पेट को बहुत तेज़ी से टाइट करती है। जब आपका पेट टाइट हो जाएगा ना तो आपका पेट दोबारा से फिर नहीं निकलेगा। सबसे पहले इस पैर से 1, 2, 3, 4 ये आपकी थाइस के फैट को भी कम करती है। अगर आपके थाइस पर या हिप्स पर यानी कि लोअर बॉडी पर फैट है तो आपके पूरे लोअर बॉडी को भी कम करेगी। 9, 10 अब हम दूसरे पैर से करेंगे, पहले वाले को हम मोड़ के रख लेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे ना तो आपको पहले दिन से ही ऐसा लगेगा कि आपका पेट कम हो रहा है, क्योंकि ये पेट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, आपके पेट को तेज़ी से टारगेट करती है। इसको भी आप कर सकते हैं आराम से, दोनों पैर से 20-20 बार भी कर सकते हैं या फिर 10-10 बार भी कर सकते हैं, और इसके भी आप 1, 2, 3 सेट अपने कम्फर्ट के हिसाब से लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कौन सी एक्सरसाइज है जिसको आप आराम से अपने बेड पर कर सकते हैं।
इसी तरीके से हम लेटे रहेंगे दोनों पैरों को मोड़कर। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले एक पैर को सीधा करेंगे तो एक को मोड़ के रखेंगे, फिर दूसरे को हम मोड़ के रखेंगे तो पहले वाले को सीधा करेंगे। इस तरीके से आपको करना है, लेकिन एक साथ थोड़ा सा हमें जल्दी जल्दी। देखिए इस तरीके, 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा सा पेट को टाइट रखेंगे तो आपका पेट बहुत तेज़ी से इस एक्सरसाइज से कम होगा बिल्कुल आसानी से। देखिए 8, 9, 10, आप देख होंगे कि यहाँ पर इस एक्सरसाइज से कितना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, स्पेशली आपके पूरे पेट पर। तो आराम आराम से आपको इस तरीके से बेड पर लेटे लेटे इस एक्सरसाइज को करना है, और इसको करने में कोई परेशानी नहीं होती है। आप इसको 20, 30 या फिर 40 टाइम भी कर सकते हैं, जितना कि आपके पास टाइम है, जितना कि आप कंफर्टेबल है। अपने स्टेमिना के हिसाब से ही हमें एक्सरसाइज करनी है, ना कि जोर ज़बरदस्ती। ओके, अब ये तो हो गई हमारी थर्ड एक्सरसाइज। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि मोस्ट इफ़ेक्टिव है आपके पेट के लिए, जिसके लिए हमें क्या करना है, अपर के पीछे दोनों हाथ को लगा लेंगे, पैर को हमें मोड़ के रखना है, और अपनी कोहनी से हमें घुटने को सिर्फ और सिर्फ टच कराने की कोशिश कराना है। ठीक है, करा पाएंगे तो अच्छा है, नहीं करा पा रहे हैं तो जितना कर पा रहे हैं इस तरीके से। देखिए आराम आराम से जितना आप कर पा रहे हैं उतना कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी करेंगे आपके पेट पर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस, 1, 2, 3, 4, 5, इस एक्सरसाइज को सर्वाइकल पेन वाले बिल्कुल नहीं करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। तो फ्रेंड्स इसको भी आप कर सकते हैं 20 से लेकर 30 बार, जितना आप कर सकते हैं आसानी से उतना कर लीजिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है हमें एक्सरसाइज के साथ। अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम होता है तो आप 5 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर आपके पास 10 मिनट का समय है तो आप 10 मिनट कर सकते हैं। कोई भी इसके ऊपर हमें पाबंदी नहीं है कि नहीं नहीं हमें तो पूरा 30 मिनट चाहिए तभी हम एक्सरसाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो थी बिल्कुल आसान आसान सी एक्सरसाइज, जिनको हर कोई हर एज वाले आराम से बेड पर लेटे लेटे कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को आपको करना है खाना खाने के लगभग 2.5 से लेकर 3 घंटे बाद। एकदम से खाना खाने के तुरंत बाद आपको इन एक्सरसाइज को नहीं करना है, 2.5 से लेकर 3 घंटे बाद दिन में आपको जब भी समय मिलता है आप कर सकते हैं। डाइट का ध्यान रखना है, इन एक्सरसाइज को करना है, और जी हाँ मुझे रिजल्ट जरूर शेयर करिए इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन के नीचे वापस आकर। फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटे वाला बटन दबा दीजिए।